हमारे सौर मंडल में अलग अलग ग्रहों के पास अलग अलग संख्या में मून हैं। जैसे विनस और मरकरी के पास कोई मून नहीं है, वहीं धरती के पास एक मून है, मंगल ग्रह के पास दो मून हैं और आगे वाले ग्रहों के पास बहुत सारे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? मतलब पहले चार प्लेनेट के पास सिर्फ तीन मून हैं, वहीं आगे वाले चार प्लेनेट के पास 172 से भी ज़्यादा मून हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? क्या सूर्य से कम दूरी इसका कारण है या और कुछ? वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। हमारे सौर मंडल के पहले चार प्लेनेट सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और ये सभी रॉकी प्लेनेट हैं। इस कारण ये आगे आने वाले चारों प्लेनेट से बहुत ज़्यादा गर्म हैं। वहीं आगे आने वाले प्लेनेट एस्ट्रॉइड बेल्ट से भी आगे हैं और इनका तापमान भी धरती और मार्स से कम है। इन प्लेनेट और मून बनने की कहानी शुरू होती है आज से 4.6 अरब साल पहले, जब इस सौर मंडल में धूल और गैस के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन ग्रेविटी के कारण ये धूल और गैस के कण आपस में जुड़ना शुरू हो गए और इस कारण उनका तापमान भी बढ़ने लगा और धीरे धीरे उन्होंने रोटेशन करना शुरू कर दिया। सूर्य के नज़दीक वाले गैस और धूल के बादल ज़्यादा तापमान की वजह से छोटे छोटे और रॉकी प्लेनेट में बदल गए। वहीं आगे आने वाले प्लेनेट की बात करें तो वो जब बने थे तो उनकी दूरी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर थी। इस कारण वहाँ धूल और गैस के बादल के अलावा बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े और पत्थर भी मौजूद थे और धीरे धीरे वो ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से जुड़ने लगे। यही कारण था कि ये प्लेनेट धरती और मार्स से बहुत ज़्यादा बड़े थे और इनकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। इस कारण उन्होंने अपने आसपास के धूल और गैस के बादलों को अपनी ग्रेविटेशन फोर्स में बांधना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे अपने आकार में ढलते चले गए। वैसे इतने मून होने के पीछे कई थ्योरीज हैं। इनमें से एक थ्योरी कैप्चर थ्योरी है, जो ये बताती है कि प्लेनेट अपनी ग्रेविटी के कारण स्पेस में ऐसे ही घूमने वाले एस्ट्रॉइड और धूल के बादलों को अपनी ओर खींच लेते हैं। जुपिटर का आकार बहुत बड़ा होने के कारण इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण ये एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ खींच लेता है और इसी कारण जुपिटर के पास इतने ज़्यादा मून हैं और धीरे धीरे जुपिटर के मून बढ़ते जा रहे हैं। मार्स भी एस्ट्रॉइड बेल्ट के पास है, लेकिन उसकी साइज छोटी होने के कारण उसकी ग्रेविटी कम होती है और वो एस्ट्रॉइड को उतना नहीं खींच पाता जितना जुपिटर खींच लेता है, और यही कारण है कि मार्स के पास सिर्फ दो मून हैं। इस थ्योरी से हम ये भी समझ सकते हैं कि विनस और मरकरी के पास कोई मून क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्लेनेट सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। इस कारण सूर्य अपने आसपास के एस्ट्रॉइड और गैस के बादलों को अपनी ओर खींच लेता है और मरकरी और विनस का आकार छोटा होने के कारण ये कुछ नहीं खींच पाते। वैसे ये सूर्य की ग्रेविटी जुपिटर के पास भी होती है, लेकिन वहाँ प्लेनेट की ग्रेविटी सूर्य की ग्रेविटी से ज़्यादा होती है और ग्रेविटी का यही कॉम्बिनेशन एस्ट्रॉइड बेल्ट से आगे आने वाले प्लेनेट को इतने ज़्यादा मून रखने की मंजूरी देता है। जुपिटर का एक मून गिनेमिड हमारे सोलर सिस्टम का 9वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। यह मून होकर भी मरकरी से भी बड़ा है। सैटर्न का एक मून टाइटन भी मरकरी से बड़ा है। वैसे सैटर्न के पास 62 मून हैं, लेकिन टाइटन इनमें सबसे अलग है क्योंकि इस पर एटमॉस्फेयर और पानी दोनों होने के सबूत मिले हैं, लेकिन इस पर मौजूद पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है। और सैटर्न से आगे आने वाले प्लेनेट के पास भी बहुत सारे मून हैं, जैसे यूरेनस के पास 27 और नेपच्यून के पास 13 मून हैं। हमारे धरती के मून की बात करें तो कई थ्योरीज तो ये बताती हैं कि हमारा मून पृथ्वी का ही एक हिस्सा है जो एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने की वजह से टूटकर अलग हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, मून की वजह से बहुत सारे एस्ट्रॉइड धरती से नहीं टकरा पाते क्योंकि मून उन्हें पहले ही रोक लेता है। तो आप इनके बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।